ये सरकार हत्यारों को बचा रही है, पुलिस कर्मियों के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करने से कतरा रही है। ये सरकार आज पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, पूरा प्रदेश अराजकता की आग में जल रहा है। रोजाना बड़े पैमाने पर हमारी बहन बेटियों के साथ दुराचार, सामूहिक बलात्कार, और ये सरकार गूंगी बहरी अंधी बन करके तमाशा देख। स्वामी प्रसाद मौर्य जी मौजूद है हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता। सर, आज वॉकआउट किया है समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, क्या कहेंगे? अब जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, जनता के रखवाले ही जनता के भक्षक बन गए हैं, थानों के अंदर थानों की कस्टडी में बिजली संविदा कर्मी की गोंडा में हत्या, इस बात का एक जीवंत मिसाल है। सरकार ये मानते हुए कि संविदा बिजली कर्मी की मौत थाने की पुलिस थाने के कस्टडी में हुई है, उसके बावजूद ये सरकार हत्यारों को बचा रही है, पुलिस कर्मियों के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करने से कतरा रही है। अखिलेश ने यह भी कहा कि नेता आप सदन के जवाब से वो खुश नहीं है, इसलिए वो वापस लौट रहे हैं। क्योंकि सरकार उत्तर दे ही नहीं रही है। विधान परिषद में भी ये प्रश्न आया था, नेता सदन दाएं बाएं झांक रहे थे, उत्तर को घुमा करके तोड़ मोड़ के देने की कोशिश कर रहे थे। तो इस तरीके से ये सरकार आज पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, पूरा प्रदेश अराजकता की आग में जल रहा है। रोजाना बड़े पैमाने पर हमारी बहन बेटियों के साथ दुराचार, सामूहिक बलात्कार, हत्या की घटनाएं। सहारनपुर वाला केस आपको पता चला, सहारनपुर वाले केस में जहां पर जो महिला खिलाड़ी कबड्डी की आई थी, उनको टॉयलेट में खाना खिलाया गया, उस पर जांच भी बैठ गई, इस पर क्या कहेंगे? ये केवल एक जगह की बात नहीं है, पूरे प्रदेश के हर जिलों में आए गए दिन कानून की धज्जियां उड़ाई जाती रहती हैं, और ये सरकार गूंगी बहरी अंधी बन करके तमाशा देखती रहती है। आखिरी सवाल, लखीमपुर में जो पीड़िता के साथ हुआ है, उसमें बुलडोजर से उसकी क्रिमेशन करा गया है, उसको लेकर कई सवाल उठा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कुल मिलाकर के अपराधी अपराधी होता है, अपराधियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हाथरस की घटना में अपराधी मुख्यमंत्री जी की बिरादरी के थे। पीड़िता की जो बॉडी क्रिमेट हो रही थी, जहां अंतिम संस्कार हो रहा था, उसकी मिट्टी को बुलडोजर से ढहाया गया, इस पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि बुलडोजर का प्रयोग नहीं। अब ये सरकार तो किसी का सम्मान करना जानती ही नहीं। अंतिम संस्कार सम्मान के साथ किया जाता है, और अंतिम संस्कार में भी ये सम्मान और मर्यादाओं को बलाय ताक रख करके उस पर भी लाश पर मिट्टी अगर बुलडोजर से ढाई जा रही है, तो ये सरकार कितनी संवेदनहीन है अपने आप पता लगता है। शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य, और जैसा कि इन्होंने बताया है कि जो वॉकआउट किया है वो मैसेज है कि वो जो अखिलेश यादव जो कि नेता प्रतिपक्ष है, वो नेता सदन के जवाब से खुश नहीं था, और इसीलिए वॉकआउट किया गया। कैमरामैन संदीप के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ यूपी तक।